कलेक्शन कैपेसिटी अलग है, रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी अलग है, उसके ऊपर मार्क्स देते हैं। फिर क्या होता है मालूम है, इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद एग्जाम होता है, मतलब कंपटीशन होता है। कंपटीशन वर्ड है ना, मुझे ये निगेटिव वर्ड लगता है बहुत, क्यों मैं आपको बताता हूँ। अभी मुझे समझो 100 मीटर ओलंपिक के रेस में भागना है, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड है 9.69 सेकंड्स का, उसको उससे ज्यादा फास्ट भागने के लिए मैं क्या करूं। मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसेन बोल्ट के साथ, मतलब मेरा ब्रेन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसके ब्रेन के साथ। लेकिन रियल लाइफ में कंपटीशन करने मतलब दूसरे को मुझे नीचे करना पड़ेगा मुझे ऊपर उठाने के लिए कंपटीशन। अभी मॉडर्न वे ऑफ एजुकेशन कैसा हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सब क्वालिटीज है ना, वो डेवलप करने के ऊपर अगर हम लोग फोकस करें तो कंपटीशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक जो आदमी ये दुनिया में पैदा हुआ है ना वो यूनिक है, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इसके ऊपर कैसे ध्यान दे सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग ने सोचा। तो जो लेवल वन है ना अबैकस का, अभी 4 जन है पीछे बैठे हुए, आपको मालूम मिलेगा, उन्होंने लेवल वन कंप्लीट किया है। तो लेवल वन में हम लोग ने क्या सीखा है, अबैकस एडिशन सब्सट्रैक्शन और 1 to 20 पेगिंग सीखा है। ये दोनों से क्या होता है, अबैकस से डेवलप होता है कॉन्सेंट्रेशन और पेगिंग से डेवलप होता है विजुअलाइजेशन। अभी लेवल टू में उन्होंने क्या सीखा, 4 जन में पीछे जो बैठे हैं, एबेटस वर्ड्स टू 40 पेगिंग एंड 1 to 99 टेबल्स। उससे क्या डेवलप होता है, कॉन्सेंट्रेशन विजुअलाइजेशन एंड मेमोरी। तो अभी आप सब लोग उनका उन्होंने क्या किया है 3 महीने में वो देखते हैं।